नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, कैलेंडर का ये थर्ड पार्ट है। इसमें मैं क्या बताऊंगा आपको कि लीप ईयर को हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, लीप ईयर में क्या होता है, बस आपका जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। देखिए, लीप ईयर का जो इफेक्ट पड़ता है डेज पर, वो आपका फरवरी मंथ में पड़ता है। फरवरी 28 से आपकी 29 की हो जाती है बस, और कोई चेंजेस नहीं आता है। तो फरवरी क्या आपकी पहुंची यहां तक, तो फरवरी में, फरवरी से पहले जो भी मंथ होंगे वो बस आपका चेंज हो जाएगा। तो देखेंगे क्या हुआ कि आपका वन था ना, तो बस क्या होगा, लीप ईयर में आपका यहां पर जीरो हो जाएगा, और फरवरी का चार था तो एक कम हो गया, थ्री हो जाएगा। मीन्स दोनों में आपका एक एक कम हो जाएगा, और कुछ भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। बस कोडिंग बस क्या होगा, जनवरी और फरवरी का एक एक कम हो जाएगा, जहां पर 144 था वहां पर 134 हो जाएगा। बस एक फरवरी कम कर दीजिए, एक आप जनवरी का कम कर दीजिए बस, और कोई भी चेंज नहीं होगा। प्रोसेस सेम आपका वही रहेगा, ठीक है। चलिएगा, आप देखते हैं इसको, जो मैं क्या होगा इस पे। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि आज की डेट हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए, आज की डेट ही हम लोग निकाल लेते हैं। तो आज की डेट क्या था, आज है 4 फरवरी 2020, ठीक है ना। आज देखेंगे कौन सा दिन है, हालांकि आज का दिन पता ही है सभी लोगों को, मंगलवार है, ठीक है। बट देखेंगे कैसे करेंगे इसको हम। चार का मैंने चार लिया क्योंकि ये आपका डेट रहेगा। फरवरी का कोड देखेंगे, चार ना होकर अब तीन हो गया आपका। ईयर आपका पता है, आखिरी के दो अंक हम लोग लेते हैं, ठीक है। पिछला वीडियो आप लोग जरा देखिएगा, मैंने उसको एक्सप्लेन किया अच्छे से, ये आपको समझ में नहीं आएगा अभी, ठीक है ना। आप पहला वीडियो देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अच्छा, ये आपका हो गया लीप ईयर, यहां पर हम लोग देखेंगे। अब तो आपका ये लीप ईयर बना के नहीं बना, देखिए 4 5 20, 4 5 20 मतलब आपका लीप ईयर पूरा कितना हुआ, 5 हुआ। देखिए, आप बोलेंगे सर उसमें भी ऐसा था कि कुछ भी नहीं बचा था लीप ईयर, उसमें भी आता, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बस जनवरी फरवरी का कोड चेंज हो जाता है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जनवरी फरवरी का ही कोड चेंज हो जाता है बस, और कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा आपका। ये आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए सेंचुरी देखिएगा, तो 2000 है ना, 400 से भाग देंगे, अगर हम 400 से भाग देंगे तो आपका पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 6 बचेगा बस। कुछ नहीं करना है, 7 से आपको भाग देना है, ठीक है। और भाग का मैंने आपसे बोला था, या तो आप ऐड कर लीजिए, 7 से भाग दीजिए, जो भी आपका शेषफल बचेगा बस आप इनमें देख लीजिए क्या शेषफल बचा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। या तो क्या करिएगा, जैसा मैंने आपको बताया था, 4 3 7, इसका देखिए 4 में 7 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो 4 ही शेषफल बचेगा, 3 में भाग नहीं जाएगा, 3 ही शेषफल बचेगा। 1 सेकेंड, थोड़ा लाइट हिल आया यहाँ पर, माफ कीजिएगा। 7 2 14, यहाँ पर 6 शेषफल बचेगा, इसका देखिए 5 में 5 बचेगा, 6 का है तो 6 बचेगा, आपका भाग ही नहीं जा रहा। देखिए 4 3 7 ये कैंसिल हो गया, 6 5 11 और 6 17, 17/7 निकल के आएगा, 7 2 14, देखिए यहां पर 3 बचा, क्या बचा शेषफल आपका, 3 बचा। 3 देखेंगे क्या आ गया आपका, मंगलवार, जो कि आज मंगलवार भी है, ठीक है, मंगल है आपका, क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोग देखेंगे इसको, मैंने सॉल्व किया आपका लीप ईयर का। जरा फिर से देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप पहला वीडियो देख लीजिए, आपको आसानी होगी, ठीक है। मतलब इसका सेकंड पार्ट आप लोग देखेंगे, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा। 4 1 4, 7 1 7, पूरा 4 बचा, जब भाग नहीं जाता तो वही शेषफल आपको बचता है। इसमें देखिए 20, 7 2 14, 6 बचा शेषफल, 5 में जाएगा नहीं, 5 बचेगा, 6 में जाएगा नहीं, 6 बचेगा। 4 3 7, इसको काट देंगे, 7 है ना काट देंगे, 6 5 11, 6 17 आएगा, 17 में 7 का भाग देंगे, 7 2 14, 14 कट गया, 3 आपका रिमाइंडर बचेगा, और 3 का कोडिंग देखेंगे हम क्या है, मंगलवार है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, लीप ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जनवरी फरवरी अगर आ गया तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है, ठीक है, बस और कोई आपको अंतर नहीं पड़ेगा। मैं देखता हूं 10 जनवरी 2012, सॉरी दोस्त यार माफ कीजिएगा, एक लोग हम और देखते हैं, 10 जनवरी 2012, ठीक है ना, इसको जरा हम लोग देखते हैं, 10 जनवरी 2012 क्या देखेंगे।
डेट आपका कितना है 10, ठीक। जनवरी का कोड देखेंगे, अब जी एक ना होगा क्या होगा, जीरो, लीप में कम हो जाएगा, जनवरी फरवरी का एक एक कम हो जाएगा, मंथ हो गया आपका। ईयर देखेंगे तो आखिरी के दो अंक 12 हो जाएंगे आपके, लीप ईयर देखेंगे तो 12 में हम 4 का भाग देंगे तो 3 बार आएगा, 3 लीप ईयर हो गए आपके। और सेंचुरी आपका देखेंगे तो 2000 में 2000 सेंचुरी है ना इसकी, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, हम लोग 400 का भाग देंगे तो देखिएगा पूरा पूरा भाग जाएगा तो आपका 6 बचेगा, तो 6 कोडिंग रहेगी आपकी, और 7 से हम लोग इसका भाग देंगे, ठीक है। 7 × 7 3 रिमाइंडर बचा, या तो सभी को ऐड करके 7 का भाग दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा उसकी कोडिंग देख लीजिए आप डेज में, या आप क्या करेंगे नंबर बाई नंबर आप इसको डिवाइड करेंगे, यहीं पे शेषफल लिखते जाएंगे। 7 × 7 3 बचा, जीरो का कुछ होगा नहीं, 7 × 7 यहाँ पर 5 बजे का रिमाइंडर आपका, 3 से भाग जाएगा नहीं 3 रहेगा, 6 से जाएगा नहीं 6 रहेगा, ठीक है। 5 × 3 8 8 × 3 11 11 × 6 17 देखिए आप 17 + 7 7 × 2 = 14 क्या बचा आपका रिमाइंडर 3, और जब रिमाइंडर 3 बचेगा तो आप देखेंगे क्या निकल के आएगा इसका, मंगलवार। इसका भी आंसर क्या होगा आपका, मंगलवार, मंगलवार, सॉरी मंगलवार। बस इस तरह से आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व किए हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, इसके बाद इसको खत्म करेंगे चैप्टर को। देखिए लीप ईयर में क्या होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, जनवरी फरवरी में बस थोड़ा बदलाव आता है, वो भी एक एक नंबर कम हो जाता है, उसके अलावा जैसा मैंने सेकंड वीडियो में बताया सेम टू सेम वही रहेगा आपका, लीप हो चाहे कुछ भी हो आपका, ठीक है। चलिएगा, मैंने लिया 26 फरवरी, 26 फरवरी 1916 ले लिया मैंने, मान लीजिए 1916, ये भी आपका लीप ईयर है, थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा है दोस्तों। 26 फरवरी देखिए डेट का आपका 26 आएगा, फरवरी लीप ईयर है ना, बस इसको जरा ध्यान रखना, अगर फरवरी जनवरी आएगा तो जरा ध्यान रखिए, वरना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। ओ माय गॉड, मंथ देखेंगे फरवरी का एक कम हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 हो जाएगा यहां पर। ईयर देखेंगे लास्ट के दो अंक 16 है, इसमें लीप ईयर देखिएगा तो 400 भाग देंगे तो लास्ट में भाग देता है, ठीक है, ईयर में तो 400 को 16 4 लीप ईयर बचेगा आपका। सेंचुरी देखेंगे 1900 है ना, 400 भाग देंगे 400 को 16 300 बचेगा तो आपका क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 7 से भाग दिया मैंने, 7 × 2 = 14 7 × 3 = 21 5 बचेगा आपका, भाग जाएगा नहीं 3 बचेगा, 7 × 2 = 14 2 बचा रिमाइंडर आपका, भाग जाएगा नहीं आपका 4 × 4 बचेगा, ठीक है। 5 × 3 = 8 ये आप देखेंगे 4 और 3 ये तो अब इसका कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया 7, मुझे कैसे करके 7 बनाना है, और 5 × 2 = 7 लो, ये भी आपका कैंसिल हो गया, कुछ नहीं करना आपको, क्या बचा ऊपर 0, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा तो क्या आपका आएगा, देखिए शनिवार, इसका आंसर क्या आएगा आपका, शनिवार। बस आपका ये खत्म हो गया, ठीक है। तो लीप ईयर का भी मैंने आपको बता दिया, इससे पहले जो भी था वो भी मैंने आपको बता दिया, लीप हो या ना हो, देखिए लीप होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप क्या करना है कि जनवरी फरवरी का एक एक कोड आप कम कर दीजिए बस, ठीक है। कोडिंग आपको याद कैसे करनी है, 144 लास्ट में 146 बीच में 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 0 लगा के, सेंचुरी में बस 4 से भाग देना, शेष पर जो बचेगा आपका 100 बचता है 200 300 0 तो आपको ऐसा करना है 4 2 6 इसको आप ऐसे याद कीजिए 4 2 6 बीच में 0 लगा दो, ठीक है, 4 2 0 को जोड़ा तो 6 बन गया, इस तरह से 4 2 6 आपका बन जाएगा। रविवार से शुरू करना है मुझे, शनिवार पे खत्म करना है, रविवार को 1 लेके करने का आपको 0 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 या 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे यहाँ पर आपका 7 बचेगा, ठीक है, 7 रिमाइंडर बचेगा ही, जब 7 से भाग देंगे 7 रिमाइंडर कैसे हो सकता है, कम से कम 6 होगा, ज्यादा से ज्यादा 6 होगा, कम से कम 1 होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि समान वर्ष वाले कैलेंडर कैसे होते हैं, समान वर्ष वाले वर्ष कैसे होते हैं, समान महीने वाले कैसे होते हैं, एक दो टाइप के और वीडियो बचे हैं, उसको मैं यहाँ पर लाऊंगा, कैलेंडर का पूरा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।